मैथ 401 लेक्चर 24 से पहले आप लोगों को रिस्टोरिंग फोर्स का पता हो, फ्रिक्शन फोर्स का पता हो, वेलोसिटी का पता हो, डिस्प्लेसमेंट का पता हो एंड एक्सेलरेशन का पता हो और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का भी पता हो। ये सारा कुछ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। मैथ 401 लेक्चर 24 फोर्स मोशन। फोर्स मोशन की डेफिनेशन आप लोग हैंड आउट से देख लीजिएगा, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। पहला पॉइंट है रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये एक्स के साथ नेगेटिव साइन यूज़ हुआ है, प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म किया तो कांस्टेंट यूज़ किया। इसी तरह फ्रिक्शन फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव यूज़ हुई है और बी कॉन्स्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी का। थर्ड पॉइंट ये है कि एक एक्सटर्नल फोर्स भी एक्ट कर रही है। एक्सटर्नल फोर्स हमने एज्यूम किया F3 बराबर है F0 sin PT, ये एज्यूम किया हमने। तमाम फोर्सेज को, टोटल फोर्सेज निकालने के लिए तमाम तमाम फोर्सेज को ऐड कर लिया है, वैल्यूज़ का अरेंज कर लिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F = ma, फोर्स बराबर है मास एंड एक्सेलरेशन। हम जानते हैं एक्सेलरेशन वेलोसिटी का स्क्वायर होता है, तो इसलिए d² x / dt का स्क्वायर हमने यूज़ किया। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट कर दिया और कुछ वैल्यूज़ को हमने अज्यूम कर लिया। W² बराबर है K/mK और B/m बराबर है 2λ के और F0/m बराबर है F0 के। वैल्यूज़ को इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है और इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर लिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स मोशन है। बाकी इसकी एग्जांपल्स का सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।